पाकिस्तान का 75वां जश्न आजादी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सब्ज परचमों की बहार, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। वजीर आजम ने खिताब में कहा, आज हमें कौमी डायलॉग की अशद जरूरत है। हम एटमी कुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत क्यों नहीं बन सकते। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर समा में कौमी रंगों का समा, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद ब्यूरोज में कौमी तराना पढ़ा गया। कारकुनों में भरपूर जोश व खरोश, पार्क व्यू दुबई के दफ्तर में पुरवकार तकरीब। विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान ने केक काटा, कहा पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। यौम आज़ादी पर बच्चों का जज्बा काबिले दीद, कौमी रंगों के रंग में रंग गए। छोटी दुनिया ने यौम आज़ादी की मुनासिबत से मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कोई डॉक्टर तो कोई पायलट बनने का ख्वाहिशमंद, कहते हैं पढ़ लिख कर मुल्क की खिदमत करेंगे। और बलूचिस्तान में हरनाई के करीब दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला पिसपा कर दिया गया। फोर्सेस की बर्वक कार्रवाई, भागते दहशत गर्दों को पकड़ने की कोशिश में फायरिंग का तबादला, दो जवान वतन पर कुर्बान हो गए। मेजर उमर जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।